रावण की पत्नी और लंका की महारानी मंदोदरी, जिनका जन्म एक मेंढकी के रूप में हुआ था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मंदोदरी असुरों के राजा मयासुर और देवलोक की अप्सरा हेमा की पुत्री थी, लेकिन उदयाधर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी जन्म से कोई कन्या नहीं बल्कि एक मेंढकी थी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। एक बार मंदार और उदर नाम के दो ऋषि जो दूध पीने वाले थे, उसको एक सांप ने जहरीला बना दिया। उन ऋषियों को जहर से बचाने के लिए एक मेंढकी ने उस दूध में छलांग लगा दी। ऋषियों ने बिना पूरी बात जाने मेंढकी को श्राप दे दिया और वो एक सुंदर कन्या में बदल गई, जिसे वेंगवती का नाम दिया गया। वेंगवती की खूबसूरती के चर्चे चारों ओर फैल गए और उसे पाने के लिए किष्किंधा के राजा बाली और लंकापति रावण में युद्ध हुआ। रावण और बाली दोनों महाशक्तिशाली थे। दोनों ने वेंगवती को अपने पूरे बल से अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। तभी वेंगवती का शरीर बीच से टूट गया और उसके शरीर के दो हिस्से हो गए। तब यमराज और वायुदेव ने मिलकर उनके शरीर को फिर से जोड़ा और फिर ऋषि मंदार और उदर के नाम को मिलाकर उनका नाम पड़ा मंदोदरी। हमारे पुराणों में मंदोदरी को पांच धर्म कन्याओं में से एक माना जाता है। पांच कन्याएं जो है अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। ऐसी पांच महिलाएं जिन्हें हमारे पुराणों में काफी सम्मान दिया गया है। भले ही मंदोदरी एक राक्षस की पुत्री और पत्नी थी, पर फिर भी उन्होंने अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा रावण को समझाती रही कि अपनी जिद छोड़कर माता सीता को स्वतंत्र कर दे, क्योंकि वह जानती थी कि भले ही रावण कितना भी शक्तिशाली हो, वह कभी श्री राम को नहीं हरा पाएंगे। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी और उसकी यही जिद उसकी मृत्यु का कारण बनी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।